जी हमको भी तो बहुत इसका क्या रिजल्ट रहा है इनके सबके गर्मियों के बहुत तगड़े गर्मी के साथ। हाँ जी सब गर्मियों के हैं और ये इनके पंजे पुरानी लाइन के पुराने ब्रेड के हैं। हाँ जी अनारे भी हैं, ये अनारे भी इन्हीं में से जी। अच्छा अनारे भी निकाल हर तरीके के निकलेंगे अनारे कलपरे जीरे जीरे भी मिलेंगे। बहुत शानदार ऑफिस है। ये मेरा साकिर है किरसन जो पिछले अभी 3-4 साल से जुड़ा है मेरे से और इन 4 साल में गुड़गांव में अभी तक तो जितने भी नंबर लिए हैं हर बार किसी भी कप में नंबर रहा है इनका। आज तक कोई ऐसा कप नहीं है जिसमें इनका नंबर ना पड़ा हो और दिल्ली कप में एक बार पहले आए थे उसमें इन्होंने बच्चे उड़ाए थे तो बच्चे 5 बजे तक बैठे थे लेकिन रह गए थे उसमें 1-2 कबूतर की वजह से बच्चे कम थे और उसके बाद में अब उड़ाए हैं तो 21 तारीख में उड़ाए थे 51 कबूतर तो 51 कबूतरों में इनका दूसरा नंबर रहा है। फिर उसके बाद में मैंने शौक फिर एक बार फिर करने के कहा तो बच्चे नहीं थे फिर उसके बाद हमने उड़ाए 5 तारीख में कफ 5 तारीख में दिल्ली में फर्स्ट रहे और आईपीएल में दूसरा नंबर रहा और दूसरे नंबर में भी अच्छे कबूतर उड़े थे हमारे 5 बजे तक कबूतर थे मतलब कि 4:52 से बैठने चालू हुए थे और 4:17 पे हमने छत खोल दी थी। फड़क थी 5:30 बजे की और जितनी भी फड़क थी दिल्ली कप की सब 5:30 बजे की थी और 1:51 वाली थी वो जी 6 बजे की थी उसमें भी हमने शाम को कबूतर खोल के बैठाए थे। और आज 19 तारीख है इसमें आज भी हमने जो कबूतर बैठाए हैं वो 4:35 पे बैठाए हैं सुबह 5:30 बजे की फड़क थी और 4 बजे से बैठने स्टार्टिंग हुए थे कबूतर 3:38 से मतलब 3:35 पे पहला कबूतर था उसके बाद में 3:07 पे पहला था फिर उसके बाद 4 बजे के बाद कबूतर हैं और गर्मियों के अच्छे खिलाड़ी रहे। और ये हमारा किरसन है। किरसन भाई बताइए कुछ फिर कबूतरबाजी का जो शौक रहा आपको कैसा रहा? बस बहुत बढ़िया शौक है जी और प्यार से होना चाहिए मैं तो ये कह रहा हूँ और ईमानदारी से उड़ना चाहिए ये शौक। कबूतरबाजी का जो आप शौक कर रहे हैं कौन कौन सी नस्लें आपने पाली हैं? मद्रासी और पंजाबी है बस पंजाबी तो 2 जोड़े हैं हमारे पास। अच्छा, और सारे मद्रासी हैं। मद्रासियों का ही शौक कर रहे हैं? हाँ जी और मेरे उस्ताद जी की दिए हुए हैं सारे उन्हीं के बच्चे कर बनवाए हुए हैं हमने सारे। कबूतर बहुत बढ़िया उड़ा रहे हैं तो उस्ताद जी से कितने साल हो गए आपको जुड़े? 4-1 साल हो गए करीब। 4 साल से आप उस्ताद जी तो उस्ताद जी का साथ रहा कैसा फील करा कैसा? बस इन्हों का हाथ चल रहा है उस्ताद जी का तो हाथ ऊपर रहना ही चाहिए। मेहनत आपकी है और हाँ जी उस्ताद जी का आपके सर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बाकी हमारे दोस्त आए हुए हैं पहलवान जी ये हमारा जी पहलवान भाई भाई सारे भाई राम राम भाई और मेरे ते मिस्टर भाई ने 2-4 जोड़ दे रखे हैं बढ़िया बढ़िया बहुत और अच्छे बच्चे काम शौकीन बहुत अच्छे हैं इनके। हाँ जी हाँ जी और इनके बड़े भाई हैं पहलवान जी वो भी मुर्गबाजी के शौकीन हैं और मुर्गबाजी में उस्ताद है अच्छे खिलाड़ी हैं बहुत तगड़े और इनके मुर्गे भी आते हैं बाहर से मद्रास से कहीं कहीं से मतलब जोड़ मिलाते हैं तो 5-5 साल तक के। हाँ बहुत तगड़ा। और जी ये हमारा एक चेला हो रहा है संजू तो इनकी जजमेंटी बहुत अच्छी रहती है और ये भी पंजाबी पालते हैं पंजाबियों का शौक। हाँ बहुत अच्छे पंजाबी रख रखे हैं शौकीन बहुत अच्छे हैं शायद आगे से जो NCR का कप उड़ेगा तो इनको भी NCR में उड़ाने का पूरा मौका देंगे हम तो मेरी तरफ से तो इनको भी पूरा सहयोग दूंगा जहाँ तक है इनको भी लेके आएंगे मार्केट में। सभी भाइयों को राम राम जी। हाँ जी हेलो फ्रेंड्स सभी भाई को नमस्कार। तो भाई ये सारे कबूतर आपको आज शौक करा रहे हैं
मिस्टर संजय जी का जो कि सालापुर से हैं, ब्रिजवासन कापाशेड़ा लगता है। तो भाई यहाँ कबूतरों को आपको चलो शौक कराते हैं इनके, जो आज बाजी उड़ाई है और बहुत ही कबूतर अच्छा उड़े हैं। 4:35 पे लास्ट कबूतर बैठा है, 5:30 बजे की फाड़क थी। ठीक है भाइयों, तो चलिए फिर कुछ कबूतरों को आपको आँखों का शौक कराते हैं इनके। तो भाई ये कबूतर देखिए, तो अभी ये फड़क में उड़ रहे थे वाले। हाँ हाँ हाँ, अभी 51 वालों में भी नंबर लिया है। अच्छा अच्छा, और जी जो 28 तारीख का बच्चों वाला कब था उसमें हमने उड़ाए नहीं। अच्छा नहीं उड़ाए। 5 तारीख वालों में हम दिल्ली में भी फर्स्ट थे और IPL में भी दूसरे नंबर पे हैं हम पूरे भारत में। और आज फिर इसके बीच में एक शौक किया था तो उसमें छठे खिलाड़ी पे छठे नंबर पे थे। हाँ जी, तो आज हम फिर आए हैं, आज देखते हैं वैसे आज का रिजल्ट क्या रहता है। बाकी क्लोज ही रहेगा, काफी आसपास ही रहेगा। हाँ नहीं नहीं, आज नंबर में है वैसे। नंबर में है। हाँ जी, वो भी पता लग जाएगा, बता देंगे आपको। पर्चे की फोटो में डाल दूंगा आज के। फ्रेंड्स तो आप देख लेना रिजल्ट कबूतरों का क्या रहा है। इन कबूतरों की उड़ान में है, गर्मियों में अच्छे हैं, 11-12 घंटे चलते हुए। गाड़ी लाल आंखों में एकदम। तो ये घर के पट्टे हैं सारे? हाँ, सब घर के हैं जी। ठीक है ठीक, इनके माँ बाप वहाँ रखे हुए हैं। अच्छा, इनका कोई हिसाब नहीं है, ये मेरे मैन कबूतर हैं उड़ने वाले। उड़ने वाले हैं सारे। हाँ जी, इनमें बहुत उड़ान है और सर्दियों का तो कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं। हाँ। तो अच्छे मदरासी अगर कोई लेने जाता तो उनमें क्या देखे, अगर किसी कबूतरबाज की बात करते हैं इनमें, अगर आप जैसे आपके पास ही कबूतर है। हाँ जी हाँ। तो इसमें क्या खास बात है, ऐसा क्या देखे अगर कोई लेने जाए तो? भाई अच्छे कबूतरबाज एक तो मुलायम कबूतर हो और दूसरा अच्छे पंख चौड़े हों, पर चौड़े होने चाहिए। हाँ, पर चौड़े हों, मुलायम कबूतर हो और पैर पंजों से भी अच्छे हों। और पंजे कैसे होने चाहिए, जैसे इसके हैं अभी इस टाइम? हाँ जी, इस तरीके के, इस तरह मतलब। हाँ, सूखे पंजे टाइप के कुछ। हाँ, होने चाहिए, नीला पन उसमें। हाँ, उड़ने वाले कबूतरों के पके और पंजे होते हैं और दूसरा पर अच्छे चौड़े हो। ठीक ठीक। और इनकी आईस है ना जो ये नीचे की तरफ, रिंग जो आखिरी रिंग होता है, जो ये आखिरी रिंग है ना ये, तो ये ट्रिपल रिंग हो। अच्छा, पलके जो बात करें। हाँ, पलके, ठीक है, वो पलके डबल या ट्रिपल होनी चाहिए। हाँ, ट्रिपल वाले ज्यादा अच्छे हैं और नीचे से तो सिंगल ही हो। हाँ, और जो ये सातवां अगर हम काला ये बने तिल की बात करें। हाँ, इसके बाद पहली लाइन तो सेकंड थर्ड, तो लास्ट की जो लाइन है ये काली होनी चाहिए, ये ब्लैक रंग की हो तो और अच्छा, ब्लैक डोरी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन ये कबूतरों में अच्छी खूबसूरती के लिए और नजर के पक्के अगर कहें। हाँ, हाँ, तो वो डोरी बहुत मायने रखती है ना। ये बड़ा शानदार कबूतर है, ये मादीन है। अच्छा, मादीन है। हाँ जी। वाह, बहुत ही शानदार आंख है इसके, हल्का पर चॉकलेटी टाइप में। खुश बन जाएगा इसके, ठीक है। पट्टे हैं सारे ये घर। हाँ, सब मादीन, ये बड़ी होगी। एक ये कबूतर दिखाते हैं भाई, ये देखिए, ये भी हमारी पुरानी विरोड़ों में से है। आंखें बड़ी शानदार हैं, ठीक है। बहुत उड़ान है इनके अंदर भी, लाजवाब। गर्मी में हो या ठंड में? हाँ, ठंड में तो ओवर ही जाते हैं। ठंड में ये कभी बैठे ही नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि मैं ठंड में कबूतर में। तो खुराक की बात करें तो इसमें मतलब खुराक से या सूखे में ही उड़ते हैं? सूखे में ही बहुत है भाई, अभी परसों की जो फड़क ली है हमने, परसों 6:30 बजे बैठाए थे। अच्छा अच्छा, यही कबूतर। हाँ, तो लेकिन हम खुराक पानी इसलिए लगाते हैं भाई, अपने दिल की तसल्ली के लिए। दिल की तसल्ली के लिए, बिल्कुल नहीं, एनर्जी तो खैर देना जरूरी है कबूतर को, बिना खान पान के तो फिर टूट जाएगा, क्या फायदा कबूतर। और ये मेरी मतलब जो चॉइस के कबूतर है ना, वो इन कबूतर है, ये कबूतर है, वो इस तरह के कबूतर। हाँ, सफ़ेद जीरे, ये मेरे बहुत तगड़े कबूतर हैं और इन कबूतरों से तो मैं शुरू से ही नंबर मारता आया हूँ। चेहरा ही बहुत कबूतर का बता देता है, वो क्या चीज़ है। इनमें बहुत उड़ान है, गर्मियों के लिए भी और सर्दियों में तो इनका कोई हिसाब नहीं, हिसाब नहीं है। ठीक, ये अभी जीरे, एक ही नफ्ता जीरा दिखाते हैं भाई। मादीन है, मादीन है ये, ये देखिए इसकी आँख।
अभी ये पे एक फटक पे इसी की बहन जी वो निकल गई थी, वो हमने उड़ा रखी है। अच्छा अच्छा, अभी दिखा देता हूँ। अभी फरीदाबाद चली गई थी वहाँ। अच्छा, से लेके फरीदाबाद। हाँ, तो फरीदाबाद से मैं लेके आया था, अब मैंने फिर कप में उड़ाई है वो, तो अभी बैठी है वो भी। अब बैठी है जो अभी। हाँ हाँ, ठीक ठीक, देखे थे। हाँ ठीक, ये वाली है। ये जी, ये अनारा कबूतर है हमारा, जीरो में आता है। अच्छा, ये अनारे, ये दिल्ली में, पूरी दिल्ली में मशहूर है हमारे अनारे। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ, और शायद हमें तो देखो दिल्ली में किसी के इतने अच्छे कबूतर लगते नहीं है, लेकिन हमारे दिल्ली में बहुत तगड़े और कबूतर अनारे हमारे उड़ते बहुत है। जी बिल्कुल, जो कृष्णा जी के नाम से पर्चे में नाम आता है। हाँ, कृष्ण के नाम से, कृष्ण के नाम से, संजय के नाम से, संजय के नाम से। तो जो बाजी उड़ाते हैं, जो इंटरेस्टेड है उनको तो पता ही होगा। हाँ, देखते हैं। और ये हमारे बहुत फेमस कबूतर है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बहुत डिमांड है। गुलाबी पलकों के। हाँ जी, अनारा कबूतर बहुत ही शानदार है। फीतरों की वैल्यू लगी थी, एक एक कबूतर आगे जो डील हुई थी वो 56,000 की हुई थी। 56,000 की, और 50,000 रुपए में मेरे यहाँ से डील थी। अच्छा, लेकिन अगली पार्टी ने 56,000 रुपए एक कबूतर का लगाया था, तो 9 कबूतरों के 4.5 लाख रुपए वो मुझे दे रहा था, और हर कबूतर पे 6,000 वो खा रहा था। अच्छा अच्छा, मैंने तो वैसे देने ही नहीं थे उसको, तो मैंने उसको मना कर दिया। मना कर दिया, भाई मैं कबूतर नहीं बेचता हूँ और मेरे यहाँ से कोई कबूतर बिका हुआ। हाँ, घर की नस्ल नहीं है बस। भाई तो शौक करा रहे हैं, ये फिर एक मैसेज भी है इनडायरेक्टली कि सेल में नहीं है कबूतर। और भाई ये हमारे घर की जो जीरे हैं, ये हमारे खुद की नस्लें सारी बनाई हुई है। हाँ, अभी जीरे भी 3 अभी उड़ रहे थे जो लास्ट बैठे थे, लास्ट की जब। हाँ, 6-7 कबूतर उतरने के बाद ये मादीन है। ओए होए, बहुत लाजवाब, जरेदार आंखें एकदम। सर्दियों में इनका कोई टाइम नहीं है। और सिंगल पलकों की मादीन बहुत। ये भी जीरे हैं। सारे 90 जीरे तो सारे घर की ही नस्ल है। एक दो ब्लड लाइन की जो स्टार्टिंग में आपको पेयर्स दिखाए थे उन्हीं की है ये। इनके बड़े भी है हमारे पास, वो हमारे घर है, वो मैं बहुत कम किसी को दिखाता हूँ। ठीक ठीक ठीक, पलके बड़े अच्छे। में अच्छे उड़ाने हैं, गर्मियों में 12-12, 11-11 घंटों की उड़ाने। नॉर्मल सी उड़ान देते हैं, अगर सुबह 5-6 बजे की फटक दें तो। अब जो उड़ान ली है इन कबूतरों की वो आज इस टाइम की है, और अभी जो ली थी मैंने 5 तारीख की फटक, तो उसमें मैंने 5 बजे बैठाए थे कबूतर, 4:17 पे छत खोली। अच्छा अच्छा, और 4:58 तक हमारे कबूतर बैठे थे। अच्छा, और स्टार्टिंग ही मतलब 4:50-52 से हुई थी बैठक। 50-52 से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक ठीक, अभी ये है जी जो चला रहे हैं, बाकी एक फटक आ गया है बुधवार की, वो देखते हैं, फिर उसके बाद में एक आमने सामने का शौक है वो। तो भाई एक और कबूतर दिखाते हैं आपको, ये देखते हैं। क्या कह रहे थे सर इसके बारे में? भाई ये हर पर्चे पे तो कभी आया ही नहीं, गर्मियों में भी ओवर रहा है। ओवर हो जाता है। हाँ जी हाँ, इसके लिए तो बहुत आदमी दूर दूर से देख रहे हैं। रवि उस्ताद भी थे जब जिंदा, उस टाइम में उन्होंने भी देखा ये कबूतर, उनकी उसकी ग्रुप से उड़ाता था मैं। अच्छा, जब भी ये कबूतर ओवर रहा है मेरा। तो आप कौन सी पार्टी सर एक बार बताइए? पहले मैं रवि पार्टी में था, तो मैंने रवि पार्टी छोड़ दी, अब मैं नीटा पार्टी से खाली खाली पाऊंगी। ठीक है, और गर्मियों में ही उड़ाता हूँ तगड़े, सर्दियों में मेरे कबूतर उतरते हैं। सर्दियों में तो खैर ओवर हो जाते हैं। हाँ जी हाँ, सर्दियों का मैं खिलाड़ी भी नहीं हूँ। लीले पंजे जी एकदम बहुत भाई। एक जीरा कबूतर और दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए इसकी आँख। ये कौन सी ब्लड लाइन? ये भी नहीं, सारी एक ही दो ब्लड लाइन के ही सारे बने हुए। हाँ जी हाँ, 100-125 कबूतर हैं, सब इन्हीं लाइन के हैं, और ये ब्रेड मेरे पास कम से कम 17-18 साल पुरानी है। अच्छा अच्छा, इनमें मैंने आज तक कोई बाहर का कबूतर टच ही नहीं बस किया। उन्हीं में से। हाँ, जो मादीने चेंज करी है। हाँ, ये नहीं नहीं नहीं, अपने वही सब। अच्छा, अपने घर के हैं, बाहर के कबूतर मिलाया नहीं है कोई। ठीक ठीक, सारे बहन भाई है। ठीक,
तो ये ब्रीडिंग पे डाल रखे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, ये सैन भाई है, एक ही जोड़ के। जी कोई तो और इससे क्या रिजल्ट रहा है इनके सबके? गर्मियों के बहुत तगड़े गर्मी के। हाँ जी, सब गर्मियों के हैं। और ये इनके पंजे पुरानी लाइन के, पुरानी ब्रेड के। हाँ जी, अनारे भी हैं, ये अनारे भी इन्हीं में से जी। अच्छा, अनारे भी निकाल दे। हर तरीके के निकलेंगे अनारे, कलपरे, जीरे, जीरे भी मिलेंगे। बहुत शानदार ऑफिस। अच्छा, बहुत पुराना और बहुत तगड़े बच्चे, इतने तगड़े उड़ाते हैं, इनके बच्चों का कोई हिसाब नहीं है। ये आंध्रा वालों में से है क्या? हाँ जी, आंध्रा प्रदेश में से बड़ा कबूतर है इनका, दराज है काफी। हाँ जी, ये देखिए भाई, वो कबूतर बहुत शानदार कबूतर है। एक ये ब्रेड का कबूतर भी था। अभी ये ब्रीड खत्म हो गया हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो ब्रीड अभी कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, नहीं वैसे करता है, लेकिन अभी इसको अपने फुटकर में छोड़ रखा है। ऐसे ही उम्रदराज कबूतर है। इसके बच्चों का रिजल्ट कैसा? बच्चों का बढ़िया रहा, इनका भी। सामने वो यही बच्चा था, वो ख्याल आया था। अच्छा, और एक यू आई थी। कई साल पहले भी कह रहा, वो आज भी है तेरे पास भाई कबूतरी में। कहाँ है बच्चू? बाजू एंड है, लेकिन चीज है बहुत तगड़ी कबूतरी यार, बच्चे बेतुक। मकोई? हाँ, मकोई ना जर्चे बनावे, चोटियल। अच्छा। भी यार बहुत तगड़े सारंगपुरी बने। यो है जी, जो भी है 7-8 साल पुरानी सैंडी मा, वो जीरी मादिन, वो जीरी कबूतरी। हाँ हाँ, इन्हीं कबूतरा का 6-7 जोड़ का ही है वैसे, जितना भी है 100-100